सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री सर जी चैनल को और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए केमिस्ट्री के हर एक वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज अपना जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेस देर आर टू क्लास मेन, हम लोग यहाँ पे दो क्लास निकालते हैं। फर्स्ट विच इज एडिशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो पहला हम लोग लिख रहे हैं एडिशन पॉलीमर। सेकंड अपना होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर जो एक आईएमपी है थोड़ा। तो एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं वो पहले देखते हैं। तो बच्चों एडिशन रिएक्शन यानी क्या होगा? क्लेवेज ऑफ पाई बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन यानी मीनिंग क्या होगा? क्लेवेज ऑफ पाई बॉन्ड। तो एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए आपके पास ऐसा मोनोमर होना चाहिए कि जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम लोग यहां पे ले सकते हैं, यानी कौन से अल्किन और अल्काइन्स। तो यहां पे क्लीवेज करना है आपको पाई बॉन्ड। तो आपके पास ऐसे मोनोमर्स होने चाहिए कि जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तो उनका क्लीवेज करके फिर आपको जो पॉलीमर मिलेगा वो पॉलीमर का नेम क्या होता है? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। आगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एडिशन पॉलीमर, जिनमें एक रहता है अपना होमो एडिशन पॉलीमर और दूसरा अपना रहता है को एडिशन पॉलीमर, और शॉर्ट में लिखे तो को पॉलीमर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर फर्दर क्लास एडिशन पॉलीमर में, होमो एंड को। तो स्टूडेंट्स यहां पे होमो का मीनिंग क्या होगा और को का मीनिंग क्या होगा? तो होमो का मीनिंग होगा सेम टाइप, एक ही टाइप के, सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर। तब आपको मिलेगा होमो पॉलीमर। होमो पॉलीमर कैसे मिलेगा? उनकी डेफिनेशन कि व्हेन अननंबरेबल सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर रिएक्ट टू ईच अदर बाय एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म होमो एडिशन पॉलीमर। होमो एडिशन पॉलीमर बना देता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कुछ। तो इनमें एक ही टाइप के मोनोमर होने चाहिए, यानी इथिन तो इथिन ही लेना है, उनके अलावा कोई होने चाहिए नहीं। इथिन में और कुछ नहीं ऐड करना है, कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं बट दूसरा कोई मोनोमर ऐड नहीं करना है, ओनली एक ही टाइप का मोनोमर होगा। तो जैसे एग्जाम्पल लिखे इथिन एन बार, तो यहां पे आपको मिल जाता है पॉलीथीन। ये इनका स्ट्रक्चर दिखाने का एक मेथड एन टाइप। सेम एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग। पीवीसी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ऐसे बनाते हैं हम लोग पीवीसी। ये होता है अपना विनाइल क्लोराइड वीसी, और यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सभी रिएक्शन में आपको ऐसे लिखना है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और यहां पे अपना होगा रिपीटिंग यूनिट ये वाला। सेम एज पॉलीस्टाइरिन भी यहां पे एग्जांपल में लिख सकते हैं, लास्ट वन पॉलीस्टाइरिन। तो स्टाइरिन मॉलिक्यूल बच्चों कैसे होते हैं? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एन टाइम स्टाइरिन, सेम रिएक्शन, और यहां पे आपको मिल जाएगा पॉलीस्टाइरिन सी एच सी एच टू एंड। देखो ये सभी रिएक्शन में आपने जो पॉलीमर बना दिया वो पॉलीमर में ये वाला बॉन्ड क्लेवेज हो रहा है, एक बॉन्ड यहां पे क्लेवेज हो रहा है पाई बॉन्ड, इसीलिए हम इनको कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन।
और इनमें एक टाइप है होमो एंड दूसरा टाइप है को। होमो का मीनिंग होगा एक ही टाइप के मोनोमर, तो बस को यानी होगा डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर, यानी दो अलग अलग मोनोमर्स जब रिएक्शन करेंगे तब आपको मिलेगा को पॉलीमर। तो एक एग्जांपल को पॉलीमर यहां पे लिख रहे हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर, शॉर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया, डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हो। एग्जांपल इनके कुछ, एक एग्जांपल लेते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्यूना एस, अनदर नेम इनका है एस बी आर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, कंप्लीट नेम यहां पे लिख रहा हूं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर SBR। तो बच्चों SBR कैसे बनता है, स्टाइरिन, तो ये स्टाइरिन मोलेक्यूल लेना है और दूसरा लेना है ब्यूटाडाइन, दोनों के बीच एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके जो पॉलीमर बनेगा उन्हें हम लोग कहेंगे एडिशन पॉलीमर। तो रिएक्शन देखते हैं, पहले तो स्टाइरिन मॉलिक्यूल यानी क्या होगा, बेंजीन, उनके ऊपर इथिन मॉलिक्यूल, ये बेंजीन और इनके ऊपर लगा दिया मैंने इथिन CH डबल बॉन्ड CH2 N बार, प्लस यहां पे आपको लेना है ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3-dien यहां पे लेना है, तो ब्यूटा 1,3-dien यानी क्या होगा, 4 कार्बन, पहले और तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, ब्यूटा 1,2,3,4 ब्यूटा 1,3-dien इनके बीच में रिएक्शन होगा। तो बच्चों यहां पे फॉर्मूला कैसे याद करना है, और रिएक्शन जो मैंने आपको बता दी है कि यहां पे सभी में होगा एडिशन रिएक्शन, यानी सभी में ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है उनमें पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए, और ये जो है दोनों मोनोमर एन बार लेने अननंबरेबल, और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होके आपको मिलेगा SBR। तो पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, यहां पे आप लोग बेंजीन या फिनाइल रिंग की जगह पे क्या लिख सकते हो, C6H5 उनके ऊपर CH, फिर पूरा CH2, CH2, CH, यहां पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और एंड टाइम, ये हो गया स्टूडेंट SBR स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, और यहां पर पहला अपना क्लास कंप्लीट हुआ एडिशन पॉलीमर, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, मोस्ट टाइम पे क्लास है, जो मैंने दो वीडियो आपको पहले भी दिखाए हैं इनके, बेकेलाइट और एक नाइलॉन्स नाइलॉन क्लास, नाइलॉन 6 भी मैंने बना के दिया है यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में, और नाइलॉन 6 भी बना दिया है, बस वो सारे कंडेंसेशन के एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे सेकंड हेडिंग लगा देते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो स्टूडेंट कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे मोनोमर्स होने चाहिए, तो यहां पे मोनोमर ऐसे होने चाहिए कि जिनके पास सेम डबल बॉन्ड, यहां पे लिखते हैं कि ऐसे मोनोमर होने चाहिए कि जिनके पास बाईफंक्शनल ग्रुप या ट्राईफंक्शनल ग्रुप, बाईफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, यानी दो बार फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए सेम और तीन बार सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बाई फंक्शनल ग्रुप और ट्राई फंक्शनल ग्रुप का ये वाला मीनिंग होगा। तो ऐसे मोनोमर्स आपस में रिएक्शन करेंगे तब कुछ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लिबरेट कर रहे हैं, यानी यहां पे आगे लिख रहा हूं मैं, रिमूवल ऑफ
NH3 भी लिबरेट हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल भी लिबरेट हो सकता है, अल्कोहल भी लिबरेट हो सकता है, HCl भी लिबरेट हो सकता है। तो ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स लिबरेट होके एक ह्यूज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की रचना होती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहां पे मैंने क्या बताया, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप इक्वली प्रोपोर्शन में एड होने चाहिए, 1:1। तो इनका एक एग्जाम्पल जो हमने लास्ट पीरियड में भी देखा था, फिर से एक बार देख ले रहे, नाइलॉन 66 एक पॉलीमर है जो हम लोग ऐसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाते हैं। तो यहां पे दो टाइप के मोनोमर्स यूज होने वाले हैं, एक होता है एडिपिक एसिड और दूसरा होता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो पहले लिख रहे हेक्सामिथिलीन डायमाइन, तो हेक्सा यानी होगा 6 बार मिथिलीन, डायमाइन 2 बार फंक्शनल ग्रुप है सेम, तो ये बाई फंक्शनल मोनोमर हुआ एन टाइम। प्लस आपको लेना है यहां पे एडिपिक एसिड। देखो ये नाइलॉन 6 6 जो होते हैं पॉलीमर्स, उनका नेमिंग कैसे हुआ है कि यहां पे 6 और 6 6 कार्बन वाला एक मोनोमर और दूसरा भी 6 कार्बन वाला मोनोमर होगा, तो एन बार लेना है आपको एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड ले लिया, रिएक्शन एडिपिक एसिड का फॉर्मूला 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव बाई फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी होगा CH2 4 टाइप COOH, एक बार ग्रुप हो गया और COOH, इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूं यहां से COOH। देखो एक और दो बार बाई फंक्शनल ग्रुप, 6 कार्बन एडिपिक एसिड में, इसमें भी 6 कार्बन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां से H, यहां से H, माइनस N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और सारा फॉर्मूला जोड़ दो, तो यहां पे बाकी क्या बचेगा, NH बॉन्ड CH2 6 टाइम NHCO CH2 4 टाइम CO, ये हो गया नाइलॉन 66। स्टूडेंट नाइलॉन 66 का जो नेमिंग होता है वो कैसे होता है पॉलीमर का नेम, तो जो पॉलीमर है उनमें रिपीटिंग यूनिट में जो फंक्शनल ग्रुप रिपीट होते हैं उनके बेस। तो यहां पे ध्यान से देखो तो CONH ये होता है अमाइड ग्रुप, तो ये वाले पॉलीमर को हम लोग कह सकते हैं पॉलीअमाइड, आगे पॉली लगा देना है आपको, यानी इनका नेम होगा पॉलीअमाइड। कुछ ऐसे पॉलीमर्स है जिनमें होता है COO आगे अल्काइल ग्रुप होगा, यानी ये होता है अपना एस्टर। तो जो भी पॉलीमर में COO ग्रुप होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीएस्टर, तो इनका नेमिंग ऐसे होता है। तो बस ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।